सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा यूज करते हो, आप व्हाट्सएप पर अपना बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो मैं आपको व्हाट्सएप की ऐसी 3 सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। यहाँ दोस्तों, व्हाट्सएप की कुछ 3 ऐसी सेटिंग बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके व्हाट्सएप को यूज़ करने में। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि व्हाट्सएप की दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग होती हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, और दोस्तों वो सेटिंग ऐसी होती हैं जो लोगों के बहुत ज़्यादा काम आती हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता तो वो उसका यूज़ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ऐसी कुछ सेटिंग हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको समझ में आ सके कि वैसी क्या सेटिंग है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो 3 सेटिंग। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। यह दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप होता है, उस व्हाट्सएप के अंदर हमें जो अच्छे अच्छे पेज देखने को नहीं मिलते, तो सबसे पहले मैं अपना FM व्हाट्सएप डाउनलोड करना है। इस व्हाट्सएप का लिंक दोस्तों आपको उस वीडियो में मिलेगा जो वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मिलेगा, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो के अंदर आपको FM व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये व्हाट्सएप जो है FM व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, तो आपको इसे उस वीडियो में जाके डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपको इन 3 डॉट पर आना है। यहाँ आने के बाद दोस्तों, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड मोड्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब आपको आना है यूनिवर्सल पर। यहाँ आने के बाद दोस्तों, आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो दोस्तों आपको आना सेटिंग पर। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं या फिर किसी को मैसेज शेयर करते हैं, तो हम सिर्फ 10 लोगों को कर पाते हैं, उससे ज़्यादा को नहीं कर पाते। उससे ज़्यादा लोगों को करने के लिए दोस्तों फिर से हमें वही 10 लोग सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम जो भूल जाते हैं कि पहले हमने किन किन लोगों को किया था। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक करना है इनक्रीज फॉरवर्ड लिमिट। जब आप इसको ओपन कर दोगे, जैसे मेरा बंद है, अब जो मेरा ऑन हो गया, पहले भी ऑन था, जब आप इसे ऑन कर दोगे तो आप एक साथ चाहे जितने लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। आप 1 से लेकर 250 लोगों तक इस मैसेज किसी भी मैसेज को शेयर कर सकते हो या फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा कि आपके 10 मेंबर जो हैं, 10 चैट जो है काउंट हो चुकी हैं, तो आप उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसी कोई बारिंग आपके सामने नहीं आएगी जैसे व्हाट्सएप के अंदर आती है। जब आप इसे ओपन कर दोगे अपने व्हाट्सएप में आके, तो आप कितने भी लोगों को एक मैसेज कितने भी लोगों को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई व्हाट्सएप पर किसी को फ़ोटो भेजते हैं और उस फोटो को हम डाउनलोड करते हैं, या फिर जब भी हमारे पास कोई फ़ोटो भेजता है व्हाट्सएप पर, हम उस फोटो को डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों उसका जो साइज़ होता है काफ़ी कम होता है। यानी कि अगर हम उस फोटो को बनवाएंगे, उसका प्रिंट करवाएंगे, तो वो काफ़ी फटाफटा सा निकलेगा, क्योंकि दोस्तों उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों, आपके इस व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है FM व्हाट्सएप में, ये देखिए, आपको इसको 6 MB तक पूरा कर देना है। इस वाले ऑप्शन को ये देखिए, कम बढ़ती वाला हो रहा है, इस पर आपको पूरा कर देना 6 MB तक। जब आप इसे फुल कर दोगे तो आपके पास कोई मैसेज भेजेगा जो फ़ोटो वगैरह होगा, तो वो 6 MB तक दोस्तों आप यहाँ पे उसे डाउनलोड कर सकते हो फुल रेजोल्यूशन में। यानी कि अगर वो फ़ोटो किसी ने आपको फ़ोटो भेजा 2 MB का, तो वो आपको दोस्तों पूरा 2 MB का होकर डाउनलोड मिलेगा, जैसा कि आपने अपने फ़ोन से खींचा हो। तो इस तरीके दोस्तों आपको फ़ोटो फुल रेजोल्यूशन में मिलेगा और आप उसका प्रिंट अच्छे से निकलवा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में क्या होता है, जो और व्हाट्सएप होते हैं उनमें क्या होता है कि जब भी कोई हमें फ़ोटो भेजता है, हम उसे डाउनलोड करते हैं, तो उसका साइज दोस्तों सिर्फ KB में आता है, 1 MB तक भी नहीं आ पाता, जबकि वो फ़ोटो रियर में कम से कम 2 या 3 MB का होता है। तो जब आप इसे और FM व्हाट्सएप में उसे डाउनलोड करोगे इसकी लिमिट बढ़ाकर, तो आप 6 MB तक का फ़ोटो यहाँ पर फुल रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हो और उसका अच्छे से प्रिंट लगवा सकते हो। दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, मुझे वाला है डिसेबल ईमेल शेयर लिमिट का। यानी कि जब भी हम कोई मैसेज या कोई फ़ोटो भेजते हैं किसी के पास, तो हम सिर्फ 10 फोटो भेज पाते हैं, 10 से ज़्यादा फ़ोटो सेलेक्ट नहीं होते,
10 सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों हमारे पास एक मैसेज आ जाता है कि आपने 10 फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हैं, आप इससे ज़्यादा फ़ोटो नहीं भेज सकते। लेकिन दोस्तों आप जब इस ऑप्शन को ओपन कर दोगे, जैसे आपको दिख रहा होगा डिसेबल ईमेल शेयर लिमिट को, तो आप एक साथ किसी को भी 10 से ज़्यादा मैसेज भेज सकते हो, यानी कि आप एक साथ कम से कम 20-50 फ़ोटो आराम से भेज सकते हो सिर्फ एक ही बार में। आपको ये कोई झंझट नहीं लगेगा कि आपको बार बार 10 फ़ोटो सेलेक्ट करने हैं फिर भेजने हैं, फिर 10 सेलेक्ट करने हैं फिर भेजने हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा क्या होता है, ऐसा करने से दोस्तों हमारे माइंड से कभी भी ये निकल जाता है कि हमने लास्ट बार कौन से फ़ोटो भेजे थे और अभी हमें कौन से सेलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों इस सेटिंग को ओपन करके आप एक साथ कितने ही फ़ोटो भेज सकते हो और आप टेंशन फ्री होकर कोई भी काम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें काफ़ी सारे फ़ोटो भेजने होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो व्हाट्सएप पर अपना वर्क करते हैं, तो हमें बहुत से फ़ोटो दोस्तों हमें व्हाट्सएप पर किसी न किसी को भेजने पड़ते हैं, जिनमें दोस्तों हमारे पास काफ़ी फ़ोटो होते हैं लेकिन हम 10 से ज़्यादा नहीं भेज पाते एक बार में। लेकिन दोस्तों आप अगर एफएम व्हाट्सएप यूज़ करोगे और इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आप 10 से ज़्यादा एक बार में कितने ही फ़ोटो भेज सकते हो, जिससे आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा कि आपने लास्ट टाइम कितने फ़ोटो भेजे थे और कौन से भेजे थे। तो दोस्तों ये 3-4 सेटिंग हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, जो लोगों को ज़्यादा यूज में आती हैं, लेकिन उनका जो नॉर्मल व्हाट्सअप होता है उस व्हाट्सअप में सेटिंग देखने को नहीं मिलती। तो अगर दोस्तों आप भी इन सेटिंग का यूज़ करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एफएम व्हाट्सअप डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप उस वीडियो को ओपन करोगे तो उस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको एफएम व्हाट्सअप का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको वो 3 सेटिंग क्या क्या करनी है जिससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। या दोस्तों आपने अगर वो 3 सेटिंग कर ली तो आपको व्हाट्सअप पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप अपना वर्क बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई मैसेज किसी को भेजते हैं तो हम 10 लोगों से ज़्यादा के पास एक साथ नहीं भेज पाते, हमको रिपीट कर करके वो मैसेज भेजना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब आप इसे सेटिंग कर लोगे तो आप 10 लोगों से ऊपर कितने भी लोगों को वो मैसेज एक साथ भेज सकते हो। और दोस्तों उसी तरह जब हम किसी को कोई फ़ोटो भेजते हैं जिनमें फ़ोटो की क्वांटिटी 10 से ज़्यादा होती है तो हम एक साथ नहीं भेज पाते, लेकिन दोस्तों जब आप उस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो आप एक बार में चाहे कितने ही फ़ोटो हों आप एक साथ किसी के पास भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ सेटिंग होती हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता तो वो उनका यूज नहीं कर पाते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।